मंत्रालय में विदर्भ पाट बंधारे विकास महामंडल अंतर्गत विविध जल सिंचन प्रकल्प के प्रश्नों के बारे में राज्य के जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। मंत्रालय में विदर्भ पाट बंधारे विकास महामंडल अंतर्गत विविध जल सिंचन प्रकल्प के प्रश्नों के बारे में राज्य के जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल इनकी अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में मदद व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने गोसी खुर्द प्रकल्प संबंध निर्माण हुई समस्या रखी। इस बैठक में लघु पाट बंधारे विभाग के उप सचिव अमोल पुंडे, विदर्भ पाट बंधारे विकास महामंडल के कार्यकारी संचालक आरडी मोहिते, कोसी खुर्द प्रकल्प के मुख्य अभियंता देवगढ़ उपस्थित थे। कोसी खुर्द जल सिंचन प्रकल्प के सीधे मुख्य कालवे में ब्रह्मपुरी तहसील के 24 गांव ऊंचाई पे होने से इस परिसर में किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता। उक्त गांव सिंचाई से वंचित रहते हैं। इस भाग के किसानों की खेती बरसात के पानी पर निर्भर होने से यहां के नागरिकों को और किसानों को सूखे का सामना करना पड़ता है। यह बात जिले के पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार इन्हें मालूम पड़ते ही सिंचाई के संदर्भ में कोसी खुर्द विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली गई। साथ ही सूक्ष्म सिंचन योजना संदर्भ में प्रस्ताव जल्द तैयार कर शासन की ओर मंजूरी के लिए भेजे ऐसे निर्देश पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने आयोजित बैठक में दिए, जिससे 5,500 हेक्टर पर अब सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इस समय विजय वडेट्टीवार ने कहा कि संपूर्ण उपसा सिंचन योजना बिजली पर चलाई जाती है। बिजली बिल के पैसे भरे नहीं जाते, इसीलिए कुछ वर्ष के बाद यह उपसा सिंचन योजना बंद पड़ती है। इसलिए उक्त उपसा सिंचन योजना सोलर पर शुरू करें, ताकि बिजली की बचत होगी और किसानों को खामियाजा भी नहीं भुगतना पड़ेगा, जिससे यह उपसा सिंचन योजना बारमाही शुरू रहेगी और परिसर के किसानों को बारमाही पानी मिलेगा और इस माध्यम से किसानों की आर्थिक प्रगति होगी। जल संपदा मंत्री पाटिल ने कहा, ब्रह्मपुरी तहसील के 24 गांव के किसानों के लिए कोसी खुर्द प्रकल्प का पानी मिलने के लिए मेंढ की उपसा सिंचन योजना को और अड़ियाल उपसा सिंचन योजना को निधि के साथ प्रशासकीय मान्यता मिलना, कोसी खुर्द प्रकल्प का घटक भाग आसोला मेंढा बांध के ऊंचाई बढ़ाने के काम को जल्द मान्यता मिले, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल को लंबे मुदत के भाड़े पट्टे पर आसोला मेंढा प्रकल्प के जमीन पर्यटन के लिए देने संदर्भ में हरण घाट उपसा सिंचन योजना के विविध कामों को मंजूरी के बारे में प्रस्ताव तैयार कर वे नियामक मंडल को पेश करे, इस संदर्भ में सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, जिससे अब इस परिसर के उपसा सिंचन योजना दिसंबर 2023 तक पूर्ण होगी, ऐसा विश्वास जिले के पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने व्यक्त किया।